हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक न्यू डिश बनाने वाली हूँ, स्पेशल डिश। आई थिंक जो भी नॉन वेजिटेरियन है उनको तो बहुत ही पसंद होगी, और वो है तंदूरी चिकन। लेकिन मैं बनाऊंगी खुद, बट मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी नहीं कि मैंने वो खुद बताया। वो टेस्ट करके खुद ही बताएंगे कि ये बाहर का है या मैंने बनाया है। तो अब मैं उसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, उसका मैरिनेशन का प्रोसेस होता है, कैसे बनाते हैं वो भी आप घर में बना सकते हैं ईजीली। तो चलिए चलते हैं। ये मैंने चिकन ले लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिला देंगे हम। तो हमारा फर्स्ट मैरिनेशन एकदम रेडी है। इसको अब आधे घंटे तक हम ऐसे ही रखेंगे इसको सेट करने के लिए, फिर मैं दूसरा मैरिनेशन तैयार करूँगी। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको तंदूरी चिकन कैसा लगता है। दही लिया है और उसको मैंने कपड़े में डाल दिया, ताकि इसका जितना भी पानी है दही का वो निकल जाए। ये बहुत ज़रूरी है, अगर हम ऐसे ही डाल देंगे मैरिनेशन में तो सारा पानी पानी हो जाता है उससे, फिर सारा पानी इससे निकल जाएगा एक्स्ट्रा जो होगा, और ये हंकर्ड बन जाएगा। अभी मैंने जीरा लिया है, उसको मैं रोस्ट करूँगी। ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसको पीस लूँगी। ये मैं मैरिनेशन के अंदर मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने हंकर डाला है, इसका मैंने पानी निकाल लिया था, एक्सेस वाटर सारा निकाल लिया। ये रहा चिकन जो मैंने फर्स्ट मैरिनेशन में तैयार किया था, इसे ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है। दही के अंदर डालेंगे जीरा पाउडर जो मैंने बनाया था, जीरा को रोस्ट करके और उसको फिर मैंने कूटा था। गरम मसाला के मसाले डालेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जितना आपको स्पाइसी कम ज़्यादा का रखना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें एक ये फूड का कलर डलेगा, डालेंगे कसूरी मेथी, अब डालेंगे इसमें सिरका, ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है तो अब ऑयल डालेंगे, इसमें डालेंगे सॉल्ट, नमक। मैरिनेशन एकदम रेडी, अब देख सकते हैं अच्छा लग रहा है ना। जब रेडी हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। इसको फ्रिज में रखेंगे, मेरा फ्रिजर नीचे है। तो हाँ, मेरा चिकन मैरिनेशन रेडी हो गया है और मैंने फ्रीजर में रख दिया है इसको 2 घंटे के लिए। इसको वैसे जितना ज़्यादा देर तक आप रखोगे उससे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसका मैरिनेशन अच्छे से बन जाता है, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं ये सरप्राइज़ दे रही हूँ अपने हस्बैंड को, उनको नहीं पता कि मैं तंदूरी चिकन बना रही हूँ आज। उनको खाकर पता चलेगा कि मैंने ऑर्डर किया है या खुद बनाया है। और बाकी आप देख सकते हैं, जिनके लिए बना रही हूँ उनको कोई होश ही रहे, आराम से सो रहे हैं मज़े से। हेलो मिस्टर बीन सो रहे हैं, चलो अच्छा है ये सो रहे हैं। अब जब बना के लेकर आएंगे तो फिर एक अलग ही सरप्राइज़ होगा इनके लिए। आप देखिए आपको तंदूरी चिकन कैसा लगता है, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करें, कमेंट में बता सकते हैं कि आप कोई और रेसिपी बता सकते हैं इसी से रिलेटेड, बाकी आप बता सकते हैं आप किस तरीके से बनाते हैं, किस प्रोसेस से मैं उसको कुक करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने इसको पूरे कितने घंटे रखा, 2 घंटे रखा, और मैरिनेशन कितना बढ़िया हो गया एकदम। हम इस पर बनाएंगे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक का है ग्रिल मशीन है, इसमें आप सैंडविच ग्रिल कुछ भी बना सकते हो, ग्रिल सैंडविच चिकन वगैरह सब कुछ। बढ़िया सी खुशबू आ रही है,
में डाल के खाने का मजा ही कुछ और है। लुक्स अमेजिंग ना। बन गया है हमारा तंदूरी चिकन। देखो क्या है आपके लिए, तंदूरी चिकन है बेटा, तंदूरी चिकन। भूख लग रही थी भाई, मजा आ गया। कैसा लग रहा, देखने में कैसा लग रहा है ये बताओ पहले। मस्त। खाने में बताना फिर। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मस्त एकदम। भूख लग रही है बड़ी तेज, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हाँ आगे मजे, आगे मजे, एक नंबर। कहाँ से मंगाया? ये मैंने जिम्मेदार रोहिणी है ना, रोहिणी में जहाँ से मैं अभी मैं घर पे खा कर आई थी ना, जहाँ से बॉन्ग्स किचन, वहाँ से मंगाया मैंने। मस्त होता वहाँ का चिकन तो, तंदूरी वो भी। बड़े दिन बाद बाहर का खाने को मिल रहा है। कब से मैं बोल रही थी मैं मेरे को खिला दो, बाहर का खिला दो। आप भी खा लो। ये मैंने बनाया ये। ओह। कोई ऑर्डर ऑर्डर नहीं किया। आए बड़े प्रैंक, प्रैंक बाहर का है। आपने मतलब टेस्ट इतना बढ़िया था तो आपको लगा कि बाहर का है ना? आप झूठ, यही बात है ना, झूठ बोल रहे थे। मैं पहले झूठ कह रही थी, अब मैं सच कह रही हूँ कि ये मैंने ही बनाया, ये मैंने ही बनाया। इतना बढ़िया है ना, खाना बढ़िया। आपकी बीवी शेफ है, डोंट यू नो दैट? ऐसे बन गया घर में, मैरिनेशन बढ़िया होना चाहिए, क्यों नहीं बनेगा? वाह यार, मेरे तो घर में शेफ मिल गई। चलो जब ही कह रहा हूँ शादी कर लो। अब रेटिंग बताओ, रेटिंग। मेरे को पता ही नहीं लगा ये घर का बना रहा, घर का टेस्ट थोड़ा अलग होता है। लग रहा है शॉप से लेके आया हो। एकदम मस्त, वैसे ही वैसा टेस्ट आ रहा है ना, स्मोक की टेस्ट। मैंने इसके अंदर स्मोक भी ऐड किया है, मैंने स्मोक भी ऐड की थी इसके अंदर, स्मोक की फ्लेवर देने के लिए। खा लो, मैं सारा खा जाऊंगा। तो चलो मैं भी खाती हूँ, खुद तो बड़े मजे से खाए जा रहे हो। बकड़ा कपड़ा, कपड़ा कपड़ा, कपड़ा कपड़ा, एकदम मस्त। मेरे को खिलाना। चलो भाई अब मैं खा रही हूँ, मेरे को लग रही है बहुत तेज भूख। ठीक है, खा के फिर मैं बताती हूँ कि कैसा लगा मेरे को। मेरे हाथ का, मेरे हाथ का, मेरे को कैसा लगा।